लॉन्ग ड्राइव के लिए हो, मतलब ठंड इतना ज्यादा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी बजे रात के 9, मैं तैयार हूँ जाने के लिए और मैं दरवाजा बंद करके तैयार हो रही थी। गुड मॉर्निंग। तो चाय यहाँ पे बन चुका है और लास्ट 2-3 दिन बहुत अच्छा गया हमारा पूजा पर्पस में। बस और क्या खुशी और ये सब बांटने के लिए बस एक मौका चाहिए हम लोगों को, बस हो जाता है हमारा वो खुशी दुगना तिगना। और अभी तो एग्जाम का टाइम है, सो फेस्टिवल भी खत्म और अगेन बैक टू आवर डेली रूटीन। वही चाय, वही कुकिंग, वही बिस्किट। जी हाँ, वही डिफरेंट बिस्किट चाहिए। अरे ये तो तुम्हारा फेवरेट था ना। फेवरेट बदलते रहना चाहिए बीवी को छोड़ के। अच्छा, थैंक गॉड। मेरे लिए तो मारी बिस्किट से ठीक है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मारी बिस्किट, पहले से बहुत पसंद है। मैं तो उनको तरह तरह के बिस्किट्स पसंद है। तो पूजा भी खत्म हो चुका है, तो अभी पूजा के लिए जो सारे बर्तन हमने निकाले थे ना, तो वो सारे बर्तन जहाँ जहाँ पे था सबके घर से लाए, कलेक्ट किए, उसे क्लीन करने के बाद अभी जगह पे रखना है और उसके बाद बेड को भी अच्छे से क्लीन करना है कि ऑलरेडी एक बार क्लीन हो चुका है, फिर बेड को उठाना, फिर से उसे सेट करना और चादर वदर जो है ना वो सब कुछ मतलब खराब हो जाते हैं, तो इसलिए वो सारे चीज सेट करना है। और बेडरूम मुझे हमेशा नीट एंड क्लीन चाहिए होता है क्योंकि मुझे लगता है कि बेडरूम एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको शांति मिलनी चाहिए, जाते ही आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन करे, थोड़ा सा शांति मिले, तो इसलिए बेडरूम मैं हमेशा टिप टॉप रखने की कोशिश करती हूँ। राधिका काम करके गई है तो क्लीन जो यूटेंसिल्स है वो भी अपने अपने जगह पे रखना है क्योंकि ये जो किचन टॉप है, छोटा सा टॉप है, या पे अगर बर्तन फैला हुआ रहता है ना तो काम करने में बहुत मुश्किल होता है, कौन सा चीज कहाँ पे रखूँ कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, ये पहले कर लो, उसके बाद लंच की तैयारी करते हैं। एक ऐसा टाइम था जबकि एवरीडे, लगभग एवरीडे डिनर के बाद मैं और मिथुन हम दोनों बाहर निकल जाते थे, चाहे वो कॉफी पीने के लिए हो या तो लॉन्ग ड्राइव के लिए हो, अच्छा लगता था। जब से हमने कार ली है ना, बैंगलोर में आके ही हमने पहली बार कार ली थी, तो उसके बाद से हमारा घूमना फिरना एक अलग लेवल पे ही चला गया था। पर इस बार जब बैंगलोर लौटी कोलकाता से, उसके बाद से ये सब इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, पर वो सारे दिन पहले मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। तो आज मैं वैसे भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब बहुत ही खुश मिजाज में हूँ। सच रहा है कि ऐसा कुछ करते है आज डिनर के बाद, थोड़ा कॉफी पीने के लिए हो या लॉन्ग ड्राइव के लिए हो, मतलब ठंड इतना ज्यादा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या तो लेट नाइट में मतलब कहीं भी हम जाए वो बहुत मजा आता है। सड़क थोड़ा सा सुनसान रहता है, थोड़ा सा आराम से ड्राइव कर सकते हैं और अच्छा लगता है, लाइक मूवी। यस, अभी हमारे जो आसपास के थिएटर है ना वहाँ पे पाठन चल रहा है, तो पाठान एक्चुअली शाहरुख खान का एक तो इतने दिन बाद एक कोई मूवी, और वैसे भी शाहरुख खान का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, पर मिथुन बहुत पसंद करते शाहरुख खान को, तो मिथुन के साथ आज पाठान देखने जाए, वो भी नाइट शो में, बुक माई शो अभी मुझे चेक करना पड़ेगा। यस, कुकिंग के बाद फिर देखते हैं बुक माई शो में अगर कुछ अवेलेबल है, क्योंकि पाठान तो मैंने सुना है ये काफ़ी मतलब अच्छा चल रहा है, तो अगर ये होता है ना तो आज ही की आज हम पाठा दिखने जाएंगे, वो भी मित्र को बिना बोले मैं बुक कर लूंगी। अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, लंच में ज्यादा कुछ नहीं, जबकि कुछ प्लानिंग के बारे में मैं सोच रही हूँ, कुछ है दिमाग में, तो एकदम से चिकन बना लेते हैं और थोड़ा सा ज्यादा, और मैंने क्वांटिटी ऐड कर दिया ताकि आलू के साथ अगर बनाओ ना तो रात के लिए भी हो जाए, क्योंकि रात में और मैं कुछ कुकिंग नहीं करना चाहती। तो सिंपल सा चिकन करी विथ पोटैटो एंड अनियन मैं बाद में जो कि ऐड करने वाली हूँ, और उसके साथ राइस, प्लेन राइस बस, और सैलड जो कि मेरा रेगुलर का होता है तो वो तो सैलड रहेगा ही, बस सिंपल सा कुकिंग जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर मुझे कुछ देखना पड़ेगा, मतलब मैं जो प्लानिंग कर रही हूँ तो उस हिसाब से कुछ बनता है कि नहीं प्लान, वो अभी देखना पड़ेगा। 2 पैकेट दूध, 1 कर्ड का पैकेट, और अगर मिथुन चाहे तो उनके वाइफ के लिए एक आइसक्रीम भी ला सकता है, मैं कोई माइंड नहीं करूंगी। हाँ, अगर तुम चाहो तो, ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है, पर मुझे चाहिए 2 पैकेट दूध और 1 कर्ड का पैकेट। नहीं दादा, दादा अभी आते, दादा गए हैं नीचे बिबिन स्टैंड पे। तो अभी मुझे करना है यहाँ पे एक काम, जब मैंने मूवी के बारे में सोचा तो क्यों ना यहाँ पे, वाह बहुत सारे मूवीज हैं, ओ विजय का मूवी, ग्रेट, अवतार भी अभी भी चल रहा है अवतार, बाय द वे एक्चुअली
शाहरुख खान मिथुन का बहुत फेवरेट है, शाहरुख खान को बहुत पसंद करते हैं, तो शाहरुख खान का मूवी देख लेते हैं। ओके आईनॉक्स गैलरी पे है, पर 9 में कुछ नहीं है, 9:30 में अगर होता तो अच्छा होता, 10:30 मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। सबसे नज़दीकी है ये गैलरिया मॉल जो कि हम नॉर्मली जाते हो, 10:30 इतना खाली, पूरा हॉल ही तो खाली है। मैंने सुना था कि ये काफ़ी हिट किया था मूवी, एक्चुअली इसका 50-50 हमें रिव्यू मिला था। कौन सा ले, कॉर्नर वाला या कॉर्नर वाला ही ठीक है। कॉर्नर में क्या होता है ना, आने जाने में बहुत इजी हो जाता है, मतलब जब इंटरवल होता है तो कुछ अगर खाने जाओ कुछ ये करने जाओ तो बहुत इजी हो जाता है। तो मिथुन भी अभी घर पे नहीं है, तो मैं कुकिंग करते वक्त वही सोच रही थी कि क्या किया जाए। मूवी वैसे हम थिएटर में जाके बहुत ही कम देखते हैं, नॉर्मली हम वेट करते हैं कि कब OTT पे आएगा। आज बहुत दिनों बाद हम जा रहे हैं, लास्ट कब नाइट शो देखा था पता नहीं, और थिएटर में इतने ज़्यादा कम जाते ना, तो कब लास्ट गए थे वो भी भूल गई। तो अभी जाएंगे शावर लेने, तो उससे पहले थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं। मुझे चाहिए थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल और थोड़ा सा पानी। इसका जो मिक्सचर है ना ये बहुत काम का है, स्किन को टाइट करता है और स्किन से जो सन टैन है ना उसे भी कई हद तक रिमूव करते हैं। पर सबसे बेटर रिजल्ट मिलता है अगर आप बाहर से आते हो घर, तो आने के बाद ही अगर अपने फेस वॉश करके ये अप्लाई करते हो तो। मेरे पास ये दो ऑप्शन है जो कि स्वेट शर्ट है, मतलब थोड़ा सा ये ठंड से तो आपको प्रोटेक्ट करेगा और इसके साथ साथ इसका स्टाइलिंग भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि जींस के साथ इनमें से कोई एक पहन के जाए। कहीं पर भी जाने से पहले जो पहले से हम क्या पहन के जाएंगे ये सब प्रिपेयर करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें। और दोनों का ही ये वी नेक मुझे बहुत पसंद आते हैं, ये येलो में है और ये ब्लैक में। अगर लेट नाइट आने के टाइम में थोड़ा ज़्यादा ठंड लगे तो उसे वो लूंगा, बस हो जाएगा। सो गाइज गुड इवनिंग, तो अभी 6:30 बज चुके हैं और मन ही मन में मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ क्योंकि आज बहुत दिनों बाद लेट नाइट मूवी देखने जा रहे हैं, और वो भी मैं और मिथुन अकेले, और इसके साथ आज जिनका मूवी है वो तो आपको पता ही है कि कितने सारे जाने माने सारे आर्टिस्ट है वहाँ पे, तो उनके मूवी देखने जा रही हूँ। और ये जो हैप्पीनेस ही है मैं मिथुन को बोल भी नहीं पा रही हूँ, मिथुन तो फोन पे बात कर रहे हैं तो वो तो अपने ही धुन पे है, पर मेरे तो मन ही मन में चल रहा है कि जाना है और उस टाइम में मिथुन का रिएक्शन क्या होगा। मन ही मन में थोड़ा सा डर भी रही हूँ। मिथुन बोल रहे हैं कि 2 टाइम उनको चिकन नहीं खाना, अगर चिकन नहीं खाना है तो दाल बना देते हैं उनके लिए, मिक्स दाल जो कि अच्छे भी लगे। और कोई नया मूवी नहीं है क्या अभी? यही तो नंबर 1 है नेटफ्लिक्स में। नंबर 1 है मतलब ट्रेंडिंग नंबर 1 है नेटफ्लिक्स में। पठान कब आएगा? पठान जस्ट रिलीज, इट विल टेक 2-3 मंथ्स। 2-3 मंथ्स। दृश्यम 2 आया था 2.5 महीने बाद, वो भी रेंट पे आया था, उसके बाद 2 हफ्ते बाद शायद वो हम फ्री में देख पाए ना, तो आ जाएगा उसके बाद रेंट पे देखना पड़ेगा। 199 राइट, 199 पे हमें रेंट लेना पड़ता है, वो भी 24 आवर्स के लिए। सो अभी टाइम हुआ है 8:10 बाकी है। अभी तक हम देख रहे थे एक्शन हीरो जो कि मुझे ओके लगा, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो अभी मैं झट से दाल बना लेती हूँ और थोड़ा सा लेट तो हो चुका है, तो झट से दाल बना लेती हूँ उसके बाद खाना सर्व करेंगे।
अभी बजे रात के 9, मैं तैयार हूँ जाने के लिए और मैं दरवाज़ा बंद करके तैयार हो रही थी और मिथुन वहाँ पे खाने पीने के बाद सोफे पे बैठ के एक इंग्लिश मूवी देखने की तैयारी कर रहे हैं। वो मतलब 3-4 ऑप्शन हैं। आज बहुत दिनों बाद मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा कॉफी पीने जाऊं। इतने तो हर रोज देखते ना, एवरीडे 2-3 मूवी हम लोग देख लेते हैं। बहुत दिन हो गए ना कि बाहर कुछ कॉफी पीने नहीं गए और वैसे भी लॉन्ग ड्राइव पे ये विंटर भी बीत जाएगा, अभी चला जा रहा है। क्यों तुम तो पहले मतलब मुझे कॉन्विंस किया करते थे कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे, तुम बुढ़ी हो गई हो, घर से निकलना नहीं चाहते। तो क्या करना चाहते हो? मैं बुढ़ा हो गया जैसे वैसे ही चलो, जस्ट फुल पैंट पहन लो, वैसा हो जाएगा। बस फुल पैंट पहन लो, मतलब रेडी वेडी होने का कोई नहीं ना। क्या करना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और वहाँ पे जाते हुए जो भी स्टॉल मिल जाएगा वहाँ पे चाय कॉफी वॉफी कुछ पी के आ जाएंगे। ठीक है, वैसे पार्क वगैरह कुछ कुछ तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है चलो, थोड़ा लेजी शाम बिताऊंगा सोच रहा था। नहीं मैं एक चीज बोलूं, जो चीज हम प्लान करते हैं ना पहले से वो कभी नहीं होता मेरी जिंदगी में, पर जो चीज अचानक से हम कुछ तय कर लेते हैं चलो अभी करते हैं, मतलब अभी करते हैं, नहीं छूटेगा, अच्छी क्वालिटी का है। तो जो हम तय करते हैं कि चलो कुछ भी अभी करते हैं वही हमेशा सक्सेसफुल होता है, तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं पहले से कुछ भी कि आज मैं थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाली हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, तो अभी हम हैं लुलू के सामने, तो मिथुन गए हैं पानी का बॉटल लाने क्योंकि पानी आजकल घर में बहुत कम है क्योंकि हमारा जो वो एक्वा गार्ड है ना वो खराब हो चुका है, तो बाहर से परचेस करके हम पी रहे हैं। तो लॉन्ग ड्राइव के बाद अभी हम आए हैं गैलरिया मॉल, आरएमजे गैलरिया। तो यहाँ पे स्टारबक्स वगैरह खुला है तो वहाँ पे थोड़ा सा चाय पियेंगे या तो विंटर में आइसक्रीम भी बहुत अच्छा लगता है, आइसक्रीम मिल जाए, आइनॉक्स पे सुना है पठान चल रहा है, पठान और एक साउथ इंडियन मूवी चल रहा है, देखे अभी इतने रात को। हाँ यहाँ पे टिकट देखो ना अवेलेबल है कि नहीं, इतने रात को अवेलेबल नहीं होगा और ऊपर से पठान ऑलरेडी हाउसफुल चल रहा है अभी नहीं। तो अभी एक बात बताए, हो सकता है कि मेरा ब्लॉग वो लोग देखते हैं इसलिए हमें टिकट दे दे। मेरे पास थोड़ा डांस करके जाओ, मेरे पास पठान के 2 टिकट्स है। मैंने आज सुबह सोचा था कि आज हम थोड़ा मतलब बाहर निकलेंगे तो फिर थोड़ा बाहर निकलेंगे चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे, इससे अच्छा कि पठान देख लो। सच सीरियसली मैं कैमरा ऑफ करती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सीरियसली तो वही कॉन्सेप्ट तुम्हारा गलत साबित करना है, मैंने किया है सीरियसली, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। चलो तुम क्या खाना है यहाँ पे ना, सारे खाना ना वहाँ पे भी है, क्या ले सकते हैं यहाँ पे। तो हमने कुछ फूड ऑर्डर की है तो यहाँ पे तो स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम चले आए और वो लोग डिलीवर करके जाएंगे। पूरा मॉल एकदम खाली है, मतलब इस मॉल में आइसक्रीम यहाँ पे कैसे मिल सकता है, पूरा फूड कोर्ट बिल्कुल खाली है। चॉकलेट दिखाई तो दे रहा है पर मिल नहीं सकता। अभी लिफ्ट में होगा बहुत ज्यादा भीड़। नहीं होगा, खाली कुछ नहीं है, खुला कुछ नहीं है, मतलब जो भी है सारे बंद है पर लाइट्स वगैरह ऑन है, पर पूरा सुनसान मॉल। ये मॉल इतना सुनसान कभी नहीं देखा। तो अब मुझे बताओ कि ये सरप्राइज तुम्हें रियली वर्थ लगा कि नहीं लगा? बहुत वर्थ लगा क्योंकि शाहरुख खान का मूवी है यार, तुम्हें पता है शाहरुख खान का मूवी नहीं गाइस, इतने सारे मूवीज हम देखते रहते हैं तो थोड़ा सा शायद थोड़ा सा भी हो तो सही गलत का पहचान है, पैसा वसूल है, पैसा वसूल मूवी है ये। अगर टीवी पे देखते ना तो वो वाला मजा नहीं आता, ऐसे मूवीज इतना एक्शन मूवी हमेशा थिएटर में देखना चाहिए। थोड़ा सा भूख लग गया था क्योंकि मिथुन डिनर किए थे, मैंने 2 पीस बस चिकन खा के आई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ खाना था। अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ क्योंकि हैदराबाद हाईवे में आए थे, वहाँ पे एक मैकडोनल्ड है तो वो जनरली खुला रहता था, अभी देखा बंद है,
सोमाली को आइसक्रीम खिलाना था, सुबह से बोल रही है आइसक्रीम खाना है आइसक्रीम खाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी अभी की अभी मुझे आइसक्रीम चाहिए, एक्चुअली मित्र को मौका मिल गया कि लेट नाइट ड्राइव करने का, तो वो मौका नहीं छोड़ना चाहते। आखिरकार हमें मिल गया आइसक्रीम, रात के 2 बजे, 2 नहीं 2:30 बजे हमें मिल गया आइसक्रीम। पूरे एयरपोर्ट में कहीं पर भी आइसक्रीम नहीं मिला था, फिर जबकि कोई आइसक्रीम नहीं मिला था तो हमने सोचा कि हम लौट जाएंगे, फिर देख रही हूँ कि मिथुन किसी लड़की की तरफ ऐसे देख रहा है, और उसके बाद मैंने देखा उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, फिर देखा कि वो लड़की आइसक्रीम खा रही है, जैसे कौन खा रही थी। अदरवाइज तुम गलत समझती हाँ मुझे। उसके बाद बोल रहे हैं कि तो ये आइसक्रीम वो घर से तो नहीं ला सकती, तो जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मिलता होगा, फिर हमें नंदिनी में मिला। पहले हम लोग रात को कितने बार आते थे ना, आजकल नहीं आते हाँ। ये जगह बहुत हैपनिंग है, रात को 2 बजे 3 बजे जो भी हो, और ऐसे आइसक्रीम खाते हुए सड़क पे चल रहा हम, शादी के पहले की बात याद आ गई। हाँ आइसक्रीम और बर्गर खाते हुए ना कभी किसी को शूट नहीं करना चाहिए। उसी टाइम में शूट करना चाहिए, तब देखना है कि टेबल मैनर्स कैसे होता है। तो आज का जो टारगेट था वो पूरा कंप्लीट हुआ है, मूवी देखा आइसक्रीम भी खाए। चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पे मतलब सड़क पे ही एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट एंड टेक केयर।